नमस्कार। आज का हमारा पाठ है प्रेमचंद्र द्वारा रचित, जिसका शीर्षक है बड़े भाई साहब। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लमीहा गांव में हुआ था। उनकी उर्दू में प्रकाशित पहली कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर ली थी। माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया। इन्होंने अपने जीवन का कुछ समय मुंबई की फिल्म नगरी में भी बिताया, परंतु उन्हें वहाँ रास नहीं आई। यद्यपि उनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में भी बनी हैं। 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहावसान हुआ। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियाँ लिखी वे सब मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित है। उनके प्रमुख उपन्यास है गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र, यद्यपि अपूर्ण। पाठ प्रवेश। अभी तुम छोटे हो, इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आ जाता है, काश हम बड़े होते तो हमें कोई यूं न टोकता। लेकिन इस भुलावे में न रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के लड़के बेधड़क करते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। प्रस्तुत पाठ में एक बड़े भाई साहब है, जो है तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़े होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी उपेक्षाएं करी जाती है। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेरे में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है। आइए हम हमारे पाठ बड़े भाई साहब को शुरू करते हैं। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन शिक्षा जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद वह खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम वह 2 साल में करते थे, कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते थे। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी डांट डपट और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था। मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, मतलब पढ़ने वाले थे। हरदम किताब खोले बैठे रहते थे और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब के होशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते। कभी कभी एक ही नाम या या शब्द को 10-20 बार लिख डालते, जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। सामंजस्य मतलब तालमेल। एक बार मैंने उनकी कॉपी पर यह लेख देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधेश्याम, श्रीयुत राधेश्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा करी, मतलब कोशिश करी कि इसका कुछ अर्थ निकाल लूँ। बाकी इसका अर्थ निकालने में मैं असफल रहा और उससे पूछने का मेरा साहस न हुआ। वह 9th क्लास में थे तो मैं 5th में था। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना मेरे लिए पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता था। कभी कभी कंकड़ियाँ उछालता, कभी कभी कागज की तितलियाँ उड़ाता, और कभी साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल हमेशा यही होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इस ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था।
मेरा मन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार कर लेना चाहिए, और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोज़ से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे, एक हर्फ न आएगा, मतलब एक अक्षर न आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं एरा गेरा नुक्त खेरा सभी अंग्रेज के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आँखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाके यह विद्या आती है, और आती क्या है, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने गोगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ यह तुम भी अपनी आँखों से देख सकते हो, और अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी कहीं जाते देखा है? रोज क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ, उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल पढ़ता हूँ, फिर भी तुम कैसे आशा कर लेते हो कि यूँ खेल कूद में अपना वक्त गंवा कर पास जाओगे? मुझे दो दो तीन तीन साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह अपनी उम्र गंवानी है तो बेहतर होगा घर चले जाओ और मगजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं यह डांट डपट सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने ही किया था, लताड़ कौन सा है? लताड़ मतलब डांट डपट। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे शुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। शुक्ति बाण मतलब तीखी बातें, और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति में मैं अपने में न पाता, और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों न घर चले जाऊँ? जो काम मेरे बूथ के बाहर, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूँ? मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे दो घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते, और मेहनत में इरादा करता कि आगे से खूब जी लगा कर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में खुद खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातः काल 6 बजे उठूंगा, मुँह हाथ धोऊंगा, नाश्ता करूंगा, पढ़ने बैठ जाऊंगा। 6 से 8 बजे तक अंग्रेजी पढ़ूंगा, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलूंगा, 6:30 से 7 बजे तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, और 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उसका पालन करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवलेहना शुरू हो जाती, मतलब तिरस्कार शुरू हो जाता। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घाट, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंखें फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती, और वह भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। नसीहत मतलब सलाह और फजीहत मतलब अपमान। मैं उनके साए से हमेशा भागता, उनकी आँखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकी मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटाकर और खुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। सालाना इम्तिहान हुआ, मतलब वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट आया, भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया, और दर्जे में प्रथम आया मतलब अव्वल आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर गया। जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथ पकड़ लूं, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखे मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई, और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद हो गया, मतलब शर्मनाक हो गया।
हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान घमंड हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रोब मुझ पर न रहा, आज़ादी से खेलकूद में शरीक होने लगा, दिल मजबूत हुआ। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते भी दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भाप लिया, उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया, मगर भाईजान घमंड तो बड़ों बड़ों का भी नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है, इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश किया या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप राजा उससे डरते थे, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ, घमंड ने उसका नामो निशान मिटा दिया, कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला न बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे इतराय नहीं। अभिमान किया और दिन दुनिया दोनों से गए। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा, उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बड़ा बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं है। अंत में यही हुआ, स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया। शाहे रूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तुम तो आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बेटर लग गई। मगर बेटर केवल एक बार लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुली डंडे में जो आधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं बन जाता। खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आएगा। जब एलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों का नाम याद रखना आसान नहीं, 8-8 हेनरी हो गुजरे, कौन सा कांड किस हेनरी के समय क्या याद कर लेना आसान है। हेनरी 7वें की जगह अगर हेनरी 8वां लिखा और साहब नंबर गए सफाचट, सिफर भी न मिलेगा। सिफर भी हो किस ख्याल में, और ज्योमेट्री तो बस खुद ही पनाह। अब ज की जगह अजब लिख दिया और सारे नंबर गए। कोई निर्दीय मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अबज अबज और अजब में क्या फ़र्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्या छात्रों का खून जलाते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो बस वही देखेंगे जो पुस्तकों में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डाले, और इसी रट्टम पट्टा को शिक्षा का नाम दे दिया है। कह दिया समय की पाबंदी पर निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, जिसका मतलब है निश्चित समय में काम करना। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसका कारोबार में उन्नति होने लगती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे, जो बात एक वाक्य में कही जा सके उस पर 4 पन्ने लिखने की जरूरत क्या। मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ, मतलब इसे बेवकूफ़ी समझता हूँ। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो, समय की पाबंदी पर संक्षेप में निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम ना हो। ठीक 4 पन्ने से कम ना हो, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए, धीरे भी दौड़िए, है उल्टी बात या नहीं उल्टी बात।
मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सब तुम्हें पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब तुम्हें आटे और दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हो लेकिन तुमसे बड़ा हो, संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हो उसे गहराई से बांधिए, नहीं पछताओगे। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेशमाला कब समाप्त होगी। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था, निस्वाद मतलब बेस्वाद। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो भगवान जाने कि फेल होने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएंगे। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। यह ताजबू है लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी रुचि जो की जो बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर मेरे हाथ से न जाने देता, पढ़ता भी मगर बहुत कम, इतना पढ़ लेता कि टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। जलील मतलब अपमानित न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चारों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ, मतलब फिर वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट आया और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि फिर मैं पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ, भाई साहब ने प्राण तंक परिश्रम किया, प्राण तंक मतलब प्राणों का अंत करने वाला परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए, 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मतलब कांतिहीन मतलब चेहरे पर चमक न होना। बेचारे फिर भी फेल हो गए, मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े, मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी सी हो गई, मैं फेल हो गया तो अच्छा होता तो भाई साहब तो इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। मेरे और मेरे भाई साहब के बीच अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया था। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर आ जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से निकाल बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मेरे हित के लिए ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं धनाधन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत कम नरम हो गए थे, मतलब अब भाई साहब बहुत कुछ नरम हो गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं था, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छता इसी में थी कि मैं उनकी सलाह का आदर करूं, परंतु मेरी स्वच्छता और भी बढ़ गई थी, मतलब मेरी जो आज़ादी थी वह भी बहुत बढ़ गई थी। मैं उनकी सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाने लगा, इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत भी पड़ता था वह भी मैंने बंद कर दिया। मुझे पतंग उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था, कनकोए मतलब पतंग उड़ाने का मुझे नया शौक पैदा हो गया था। अब मेरा सारा समय पतंगबाजी में ही भेंट हो जाता था, फिर भी भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कौन का उड़ाने जाता था। बाजा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट और तैयारी आदि समस्या सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। मैं एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में कौनकुआ लुटने बेतशाह दौड़ जा रहा था। आँखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पाथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतंग और चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर वर्कित मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने की दौड़ी जा रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी, सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। जहां सब कुछ सतमल, न मोटर कार, न ट्रोम, न गाड़ियां। सहसा मेरे भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ा लिया और उग्र भाव से बोले,
इन बाजारी लोंडों के साथ थैले से कौन कुएं के लिए दौड़ते, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि आठवीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो? आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक ज़माना था कि लोग आठवीं दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिल चियो को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे की डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरटेंडेंट है। कितने ही आठवीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहत में काम करते हैं और तुम उसी आठवें दर्जे में आकर बाजारी लोंडों के साथ कनकुए के लिए दौड़े जा रहे हो? मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, जहीन मतलब प्रतिभावन हो, इससे शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाल? तुम अपने दिल में समझते होंगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझे डांटने का कुछ कहने का अधिकार नहीं, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझमें और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुद भी नहीं मिटा सकता? मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया और ज़िंदगी का तुमसे ज़्यादा तजुर्बा है। तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम M.MD या .D फिल कर लो या .D लिट कर लो। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं 6वीं जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों को चाहे सारी दुनिया का विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और आठवें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र है, यह बातें चाहे उन्हें न मालूम हो लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे ज़्यादा है। देव न करे आज मैं बीमार हो जाऊँ तो तुम्हारे हाथ पाँव फूल जाएंगे। दादा को तार देने सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न देंगे, न घबराएंगे, न बदहवास हो जाएंगे, मतलब बेहाल हो जाएंगे। पहले खुद मरज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20 बॉयज तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे का मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई किसे मुंह चुराने लगते हैं, लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा अपनी उम्र का बड़ा इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया करते हैं और कुटुंब का पालन किया है जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर को ही देख लो, M.A ही लेकर बैठे हैं, यहाँ के M.A नहीं ऑक्सफोर्ड के। 1000 रुपये पाते हैं लेकिन उनके घर का इंतजाम करता कौन है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई, पहले खुद घर का इंतजाम न कर सके, खर्च पूरा न पड़ता तो कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान यह जरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो, अब स्वतंत्र हो, मेरे देखते तुम बेराह न चलने पाओगे। अगर तुम यूँ न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आँखों से कहा, हरी गीज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं मैं बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार भी है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कौन कुएं उड़ाने को मान नहीं सकता।
मना नहीं कर सकता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूँ, खुद ही बेराह चलूँगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूँगा, यह कर्तव्य भी तो मेरे ही सिर है। संयोग से उस वक्त एक कटा हुआ पतंग हमारे ऊपर से गुजरी, उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोला पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था, भाई साहब लंबे ही है, उछलकर उस दौड़ी पतंग को पकड़ ली और बेतशाह हॉस्टल में चले गए। हाशा हॉस्टल में चले गए, मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। Thank you.